है अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है एंड वो लिपिड की बायलेयर होती है। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बायलेयर। तो वहाँ पर क्या होता है कि सब डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दो तरीके होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, या तो पैसिव वे हो सकता है या फिर एक्टिव वे हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का मतलब है, सबसे पहले देखो डिफ्यूजन जो है वो कैसा तरीका है। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव वे, इट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है कि विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी, आपको कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपको कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई ATP की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? देखो, डिफ्यूजन जो है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे किसी एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सो इस डायग्राम के अंदर देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस। ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बायलेयर होती है ये, देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये जो आप ग्रे पार्ट देख रहे हो ना, सो ये एक लिपिड है जिसका ये पोलर हेड है और ये इसकी नॉन पोलर टेल है। सो ऐसे करके बहुत सारे लिपिड्स यहाँ पर जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं। पोलर जो हेड है वो बाहर की तरफ होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की साइड होती है, और ये लिपिड बायलेयर होती है, ऊपर भी है और नीचे भी है। ये देखो नीचे वाली लेयर जो है ये, सो लिपिड की बायलेयर स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, करेक्ट। अब डिफ्यूजन, मैंने आपको बोला कि डिफ्यूजन क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीज़ों का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे ज़्यादा कंसेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, उससे लो कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है। एग्जाम्पल है गैसेस का मूवमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि जो सेल के बाहर क्या है, CO2 का कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है सेल के, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और सेल के अंदर CO2 कम है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बाहर से CO2 अंदर आएगी सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। सो स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन क्या होता है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। एंड किसके लिए होता है, गैसेस की मूवमेंट के लिए, ऑक्सीजन का मूवमेंट, CO2 का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ये क्या बात हो गई हमारी, डिफ्यूजन के बारे में बात हो गई। उसके बाद जो आपके पास सेकेंड टाइप का आता है, दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है, देखो फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड मतलब कि तुम, कोई तुम्हें हेल्प करेगा यहाँ पे। अगर तुम्हें क्रॉस करना है तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। फैसिलिटेटेड मतलब किसी की हेल्प लेके आप क्या करोगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करोगे। तो यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। सो दीज आर द चैनल प्रोटीन्स एंड द कैरियर प्रोटीन्स। अगर सिंपल मैं आपको बताऊँ तो अभी हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं,
यानी कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ चैनल प्रोटीन्स की, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं एक एक करके। सो दिस इज़ दी चैनल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये? चैनल प्रोटीन। ओके, सो चैनल प्रोटीन क्या करता है? इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। सपोज़ करो कि ये जो चैनल प्रोटीन है वो पोटेशियम के लिए है, तो ये खाली पोटेशियम को ही अंदर जाने देगा या पोटेशियम को ही बाहर जाने देगा। सो ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। पोटेशियम का चैनल है तो खाली पोटेशियम को जाने देगा, सोडियम को नहीं जाने देगा। अगर ये किसका चैनल है, इफ़ दिस चैनल प्रोटीन इज़ फॉर दी सोडियम, इट इज़ सोडियम चैनल, तो ये खाली सोडियम को जाने देगा और किसी को जाने नहीं देगा। ठीक, सो एक और चीज़ यहाँ पर, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर के लिए भी आपके पास, इसको टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, वाटर के बारे में, वाटर की जो मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट के लिए यू हैव दी चैनल प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स बोलते हैं। सो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो कि सर्टेन प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। पैसिव प्रोसेस है, यानी कि आपको एटीपी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर एक्वापोरिन्स, वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, एक्वापोरिन्स का मतलब है ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे चैनल प्रोटीन्स जो कि वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगे, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। पोरिन्स का मतलब होता है छेद, पोर्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल ऑर्गेनलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि पानी जो है अंदर से बाहर जा सके। एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल्स, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो दो प्रोसेस से हो सकता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। सो दूसरे टाइप के जो हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स का मतलब है कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, मान लो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो बाहर से ये क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को पिक करेंगे, दे विल पिक समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड ये क्या करेंगे, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको चेंज कर लेंगे लाइक दिस। अब ये क्या हो चुके हैं, उल्टे हो चुके हैं, इन्वर्ट हो चुके हैं, एंड इस मॉलिक्यूल को वो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देंगे। सिंपल। सो आपने यहाँ पे देखा कि कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स जो है वो बाहर से कुछ मॉलिक्यूल को उठाएंगे, अपनी शेप को चेंज करेंगे एंड वो अंदर उसको फेंक देंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। करेक्ट? सो दिस वाज अबाउट दी कैरियर प्रोटीन्स। ओके, ये भी कैसे होते हैं, दिस इज़ आल्सो दी एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि मूवमेंट करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ रही है। करेक्ट? जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन है इसका नाम क्या है, ग्लूट फोर, और ये किस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। सो इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, दीज आर द कैरियर प्रोटीन्स। तो वो क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स उन्होंने अपने अंदर लिए, शेप चेंज करी एंड उन्होंने बाहर मतलब अपने सेल के अंदर, उन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए। जैसे कूली नहीं होते, वो सामान उठा के कहीं कहीं पहुँचाते हैं, वैसे ही कैरियर, इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ तरीके से, किसी तरीके से काम करते हैं। तो वो तीन प्रोसेसेस हैं, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिमपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर ये हमारे पास चैनल प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, ए वाला जो है, कोई ए मॉलिक्यूल है वो तो बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, अंदर सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, और कोई बी मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है।
तो ये जो दोनों ट्रांसपोर्ट है ना वो एक टाइम पर होनी चाहिए. सो दिस इज़ इन द सेम डायरेक्शन. हम सेम पोर्ट की पहले बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं. दीज आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए जो है वो बाहर जा रहा है और बी भी जो है बाहर जा रहा है. दोनों मॉलिक्यूल्स जो है सेम डायरेक्शन में उनका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो सेम पोर्ट होता है. एंटी पोर्ट में क्या होगा, जो मैं आपको पहले बता रही थी, तो एंटी पोर्ट में क्या होता है, एक बाहर जाएगा और एक अंदर आएगा. एक बाहर जा रहा है और एक अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. और यूनिपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सिंगल मॉलिक्यूल का इन एनी डायरेक्शन. यानी कि अगर ये हमारे पास चैनल प्रोटीन है तो सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है. यहाँ पे देखिए, यूनिपोर्ट में देखिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. मान लीजिए ये मॉलिक्यूल जो है वो ए है, चलो इसको ब्लैक से करते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज ए. तो खाली एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सिम पोर्ट में देखिए कि एक ही टाइम पर ए और बी दोनों का सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दोनों ही अंदर आ रहे हैं. और एंटी पोर्ट में ए जो है वो बाहर जा रहा है और जो बी मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स. नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट आता है, अब हमने पैसिव के अंदर क्या क्या पढ़ा, पैसिव के अंदर हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फर्दर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमने पढ़ा चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स. अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो एटीपी की मदद से हो रहा है. यानी कि एनर्जी आपको यहाँ पर यूज़ होती है. आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक्टिव कोई चीज़ एक्टिव होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है. तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होगा. ओके, सो एक्टिव मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है बट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी हो रहा है. और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. सो यहाँ पे आप देखिए, इट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एटीपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी. और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होता है. बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है ये, स्पेसिफिक होता है. अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाती हूँ. जैसे कि ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. यहाँ पे आपके पास कोई चैनल है, ठीक है, ये आपके पास कोई चैनल है, ट्रांसपोर्ट चैनल. अब ये मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि इट इज़ द सोडियम चैनल, ठीक है, सोडियम का चैनल है, सोडियम को ही अंदर जाने देता है. अब हम बोल रहे हैं कि बाहर जो कंसंट्रेशन थी ना, बाहर जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो कम है, मतलब तीन ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम सेल के अंदर बात करें, सेल के अंदर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है. ये देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम. बाहर क्या है, सेल के बाहर लो है. तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि मूवमेंट क्या होगा, लो से हाई की तरफ होगा. इसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी. भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक छत पे खड़े हो जाओ, पानी का ग्लास लेके पानी को नीचे गिरा दो, आपको एनर्जी लगेगी क्या? पानी को नीचे गिरा दो, आराम से नीचे गिर जाएगा. मतलब झरना, फॉर एग्जांपल आप झरने देखते हो, झरने ऊपर से पानी जो है नीचे आता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ रहा है. लेकिन वहीं अगर आपको घर में पानी जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए आपको मोटर चलानी पड़ती है. वही चीज़ यहाँ पर हो रही है. भाई जिसके पास पहले से ही कमी थी, जहाँ पे पहले से ही कमी है, आप वहीं से क्या लेके आ रहे हो, वहीं से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो. वही बात होगी कि डेजर्ट है, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, हिमालय जो होता है जो वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप डेजर्ट में से जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है वहाँ से आप कहाँ लेके आ रहे हो, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है. तो दिस इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे पहले से किल्लत है वहीं से उठा करके सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो. इसीलिए आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत
उसके लिए आपको ATP की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, सो सोडियम जहाँ पे लेस था वहाँ से हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है, तो आपको एक ATP यहाँ पे लगेगी. दिस इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.